आज हमारा समर कैंप का डे ऑफ हो रहा था, तो हमने बहुत अच्छा एक प्लान किया, हिट द विकेट। तो जो बॉलर उसको तीन चांस मिलेंगे, जो स्टंप को हिट करेगा उसको आकिब जावेद साहब के साइंड कैप मिलेगी। तो होप कि ये सारे तैयार हैं। तैयार हो? तैयार है। वेल डन। लाहौर कलंदर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जो हमने ये समर कैंप शुरू किया था वो आज ख़त्म हुआ है, और बड़ी अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी बच्चों के पास थी, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो सारा साल नहीं कमिटमेंट कर सकते या दूर से आए हैं, कराची से बहुत सारे लोग आए हैं, तो उनके लिए एक लर्निंग है। और इसके बाद उनकी जो सारी असेसमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, उनको साथ ले जाएंगे और मेहनत करेंगे, और अगले साल फिर से जो समर कैंप है उसको हम थोड़ा सा 2 से 3 महीने लंबा कर देंगे, ताकि जो बच्चा आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिले। माय नेम इज़ हसन अरशद एंड आई एम फ्रॉम गुजरांवाला, सो आई एम ऑलराउंडर फास्ट बॉलर। बहुत मज़ा आया समर कैंप का, हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ इधर मिली हैं, सर ने हमें टिप्स वगैरह दी हैं जो हमारे बहुत काम आई हैं। मेरा नाम मोहम्मद वकास है, मैं मियांवाली से बिलोंग करता हूँ और मैं राइट हैंड फास्ट बॉलर हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा समर कैंप का, और मैं जब फर्स्ट टाइम आया था तो मेरा बॉलिंग एक्शन वीडियोस बना के चेक किया गया था, एनालाइज किया गया था, तो उसमें मेरा हेड कोलैप्स कर जाता था, बॉडी कोलैप्स करती थी, जिस वजह से मेरी लाइन लेंथ भी ख़राब थी, लेग स्टंप पे बॉल जाता था और स्पीड भी मेरी कम थी। तो विकी भाई जो यहाँ पे हैं कोच, बॉलिंग कोच, उन्होंने सेट कराया है, मेरा हेड स्टिल कराया है, और उसके बाद मेरी लाइन एंड लेंथ उससे कंट्रोल हुई है और पेस भी मेरी इंक्रीज हुई है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था लाहौर कलंदर का, इस दफ़ा फिर एक समर कैंप की सूरत में आकिब जावेद के अंडर। हमारे पास तकरीबन 70 के करीब बच्चे आए समर कैंप के अंदर, जिसमें डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे थे। मेरा नाम सिकंदर जुलकरनैन है और मैं डिस्ट्रिक्ट गोड किसन से बिलोंग करता हूँ। जी भाई, कॉम्पिटिशन तो बहुत आला था, सारे लड़के अपनी कोशिश कर रहे थे, और हमें यहाँ 2 महीने हो गए, तो हमने जो सीखा, कोचेज ने जो सिखाया ये टारगेट बॉलिंग करना, तो उसी को हमने यहाँ पे अप्लाई किया जो हमने सीखा था, तो अपने फोकस किया उसके ऊपर, टारगेट के ऊपर, और अल्हम्दुलिल्लाह हिट किया। जी बिल्कुल, इधर जो जिस तरह का इन्वायरमेंट है, जिस तरह के कोचेज़ हैं, तो उसको देख के मैं इधर रेगुलर में, अब मेरा एडमिशन हो गया, तो रेगुलर में आगे इंशाल्लाह अपनी स्किल है उसको मज़ीद बेहतर करूँगा मैं। मेरा नाम महादे और मैं लाहौर से हूँ, और आज ही हमारा कॉम्पिटिशन हुआ था विकेट हिटिंग का, सिंगल विकेट थी, उस पर हमें ये अवार्ड मिला है और मैंने जीता है, और काफ़ी एक अच्छी अचीवमेंट है मेरे लिए। ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। एक्चुअली समर कैंप इसलिए लगाया गया था कि रॉ मटेरियल को नए बच्चों के सामने लाया जाए, तो समर कैंप में मोस्टली रॉ मटेरियल था, जिनको अभी हमने बेसिक्स ही सिखाई ज़्यादा। आजकल हमारा क्रिकेट T20 ज़्यादा में से हर बच्चा ये चाहता है कि मैं आते ही T20 का प्लेयर बन जाऊँ, तो उनको हमने बताया कि जब न्यू बॉर्न बच्चा है वो पहले बैठना सीखता है, फिर क्रॉलिंग सीखता है, फिर वो चलना और फिर दौड़ना, तो हर चीज़ का अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया कि स्टेप बाई स्टेप ही आप सीखेंगे। तो मोस्टली बच्चों में तो अभी हमने जो कंट्रोलेबल चीज़ें होती हैं बैटिंग में, कंट्रोलेबल चीज़ें होती हैं बिफोर रिलीज़, जैसे आपकी ग्रिप है, आपका स्टांस है, आपका इनिशियल मूवमेंट है, अगर ये चीज़ें आपकी ठीक होंगी तो आप लाइन लाइन जल्दी पिक कर लेंगे। तो इन बच्चों में मोस्टली इन पे कंट्रोलेबल चीज़ों पे ही हमने काम किया है कि इनकी ये चीज़ एक्यूरेट हो, तो इससे आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इन्हेंस हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीर बिलाल है, मैं लाहौर से हूँ और मैं ऑलराउंडर हूँ। पहले मैं खेलता था मशीन के बगैर, मशीन पर आदत नहीं थी खेलने की, तो शुरू शुरू में खेला नहीं जाता था, लेकिन अब खेला जाता, आदत हो गया खेलने की, तो बहुत अच्छा लगता है इधर खेलने,
اور فیسیلیٹیز بھی بہت زیادہ ہیں. بیسک مقصد یہ تھا کہ ریگولرلی سمجھیں کہ ہم کس طرح سے اپنی بیٹنگ سکلز کو امپروو کر سکتے ہیں. تو ایک مینٹل ان کو گائیڈ لائن ملی ہے اس کیمپ میں, پلس اس کے انالیسز ہم نے کیے ہیں پلیئرز کے, کہاں وہ ویک ہیں. خاص طور پہ بیسکس پہ ہم نے کام کیا ہے ٹیکنیکلی. فیوچر کا یہی پلان ہے کہ میں ان کو ہی جوائن کروں گا, تو ادھر سے آگے جو مجھے اپرچونیٹیز ملتی جائیں گی ان کو میں ضرور اویل کروں گا. اوور آل بہت ہی اچھی فیسیلیٹیز لگیں یہاں پہ آ کے. فرسٹ ٹائم مجھے جو ٹیکنیکل کرکٹ کھیلی جاتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ اس کا پتہ چلا. جو خاص چیز میں سمجھتا ہوں کہ وہ مزید اگر یہ دو مہینے کے بعد اب مزید امپروومنٹ چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ریگولر شامل ہونا چاہیے, اور مزید اس کیمپ کو کیمپ کے بعد بھی قلندر ہائی پرفارمنس سینٹر میں پریکٹسز کرنی چاہیے تاکہ ہم مزید ان کا انالیسز اور ان ڈیپتھ انالیسز کر سکیں اور فردر ان کی اسکلس کو امپروو کر سکیں. جو آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں یا قلندرز ہائی پرفارمنس سینٹر کو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ, تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ وہ لازمی آئیں یہاں پہ. یہاں پہ آپ کو ٹیکنیکل کرکٹ ملے گی, نیشنل لیول کی پروفیشنل کرکٹ آپ کو ملے گی, کیونکہ عام کلبز میں آپ کو اس لیول کا سکھایا نہیں جاتا. آپ کے ایکشنز, آپ کے بیٹنگ میں اسٹانس وغیرہ صحیح سے ویڈیو سے چیک نہیں کیے جاتے, تو یہاں پہ ساری فیسلٹیز کو سافٹ ویئر میں چیک کیا جاتا ہے اور وہاں پہ آپ کی امپرومنٹ کی جاتی ہے. اس طرح کے کیمپ جون سے لگنے چاہیے کنڈیشننگ اور اسٹرینتھ کے لیے آنے والے وقت کے لیے, جو پاکستان کے لیے نیو پروڈکٹس ہیں, جو میں کہوں گا جو نئے بالرز ہیں یا بیٹرز ہیں وہ قلندر ہائی پرفارمنس سے نکل رہے ہیں, اور انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر بھی جو نیکسٹ ایئر ہمارا آ رہا ہے اس کے اندر بھی ہم سمر کیمپس لگائیں گے. اب ہمارا ایک نیا انیشیٹو آ رہا ہے نیکسٹ, انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی پتہ لگے گا. بہت جلدی ہم اس کے بارے میں آپ کو اطلاع کرتے ہیں.